ठंडे पानी का फुल मजा। ये स्टैचू है और बहुत ही सुंदर है। एक तो ये फ्लो देखो कितना तेज है पानी का। वेलकम बैक एवरी वन टू एट अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हमारा डे 4 है और अभी हम हैं पदुम में। अभी हम बस उठे ही थे, रेडी होके अभी आसपास एक्सप्लोर करने जाएंगे। बाकी कल का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, रास्ता बहुत ख़राब है और बस रात आने के बाद डिनर करके कुछ नहीं पता लगा कब नींद आई क्या हुआ। तो चलो अभी पहले रेडी होते हैं, फिर आपको रेडी होने के बाद मिलेंगे। ये एक छोटा सा अपडेट है जो भी लोग ऐसे रिमोट एरियाज में आ रहे हैं। अभी क्या हुआ, कुछ भाई लोग आए हुए थे दिल्ली से, तो जितनी भी अब नई डीजल कार आने लगी उनमें क्या है कि आपका डीजल के साथ में अलग से यूरिया भी डलता है। वो BS6 के नॉर्म्स वगैरह कुछ हैं कि वो पॉल्यूशन फ्री रहने के लिए है कुछ, कि गाड़ी पॉल्यूट ना करे ज़्यादा। तो वो उसमें क्या है, थार के उनके पास थार है तो उसमें वो शो नहीं करता। जैसे इसमें हमारी कार में क्या है, इसमें अलग से उसका भी मीटर है कि वो इतना है। उसका कुछ ऐसे सिस्टम है कि वो 10 लीटर में 5000 या 6000 किलोमीटर के अराउंड आपको गाड़ी आराम से चलाएगा। अब अगर वो ख़त्म होता है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गाड़ी एक तो रुक जाएगी, वो आगे नहीं चलेगी, एक बार बंद होने के बाद स्टार्ट भी नहीं होगी, प्लस एक कोई पार्ट इंजन में होता है वो डैमेज हो जाएगा और उसका कॉस्ट रिपेयरिंग का अराउंड 60-70,000 है। तो ये मान लो आप कि जो चीज़ सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये की है, उसको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपका डैमेज बहुत मोटा है। तो अब क्या हुआ, उनके साथ इशू ये आ गया था कि यहाँ पे उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है ये, और जो नियरेस्ट था लद्दाख पड़ता है। वहाँ पे क्या है, बीच का जो रास्ता है थोड़ा ऐसे ही है, डाइसिस आए वहाँ पे कि अगर कभी भी दिक्कत आ सकती थी। तो जो भी यहाँ आ रहा है हमेशा ये चीज़ याद रखे, एक तो अपना डीजल प्लस यूरिया, ये दोनों चीज़ ज़रूर साथ में लेके आएँ। डीजल का भी थोड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे क्या है कि हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। जैसे आज हम सुबह गए थे पता करने तो उन्होंने बोला कि डीजल आएगा शाम तक या कल, वो तो हम अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आए थे, बट इन केस अगर कोई नहीं लाया है कुछ नहीं है तो उसको उसमें भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब खैर हमने अपनी गाड़ी में से उनको इतना निकाल के दे दिया है कि वो ले तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन आगे कभी किसी को ऐसे दिक्कत ना हो उसके लिए इस चीज़ का खास ध्यान रखना सर। फाइनली अब 12:30 बजे हम निकले हैं अपने होटल रूम से और हम आज यहाँ का लोकल एरिया सारा करेंगे कवर। पहले हम पास में एक लेक है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके बताऊँगा सारा वहाँ के बारे में, जो कुछ भी है जो नाम है उसका। फिर उसके बाद जाएंगे, एक मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, एक पैलेस है वहाँ जाएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में जाएंगे एक वाटरफॉल पड़ता है। तो आज अभी का वाटरफॉल है वो, क्या शायद अभी वाटरफॉल है, अभी वो लेक है? नहीं, हम पहले लेक जा रहे हैं, इधर लेक है उधर वाटरफॉल है। जो लेक है ये पड़ता है कारगिल रोड पे, और जो वाटरफॉल है वो उधर के साइड ही पड़ता है जहाँ से हम आए थे। बाकी जो ये पैलेस है और जो मॉनेस्ट्री है ये सब पड़ता है हमारा लेह वाले रोड पे। तो जो जो जैसे कर रहे हो वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बाकी अभी पहले चलते हैं, रास्ता एंजॉय करते हैं, बहुत सुपर रास्ता है ये वाला। जितना यहाँ से 5-6 किलोमीटर का रास्ता लेक का है वो सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा आगे जाके कारगिल वाला रोड भी वैसे सा ही हो जाता है जैसे हमारा कल वाला रोड था। पहले आप एक बार बाहर का व्यू देखो। पेट्रोल पंप पड़ता है जो कि बंद है कारगिल जाते हुए, और ये बिल्कुल बंद है। जो मैं आपको बता रहा था ना सुबह कि बहुत इशू रहता है यहाँ पे पेट्रोल का, ये उसी वजह से है, इतने यहाँ पेट्रोल नहीं पहुँचता, इतने ये बंद रहते हैं, और जब पेट्रोल आता है एकदम पता भी नहीं लगता कब गायब हो गया।
तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। वैसे तो अभी हमारे पास फ्यूल काफ़ी है गाड़ी में, अराउंड 340 के करीब रेंज है हमारे पास, और यहाँ से ले हमें जाने वो पड़ेगा अराउंड 180-200 किलोमीटर। पर फिर भी सेफर साइड पे, जैसे हम अगर नहीं फिल करा के आते तो हो सकता था हमें भी दिक्कत होती, बट हमारे पास एक्स्ट्रा था तो हमने उसमें डाल लिया। तो फिर भी हम फिल करा के जाएंगे पूरा यहाँ से, और उसमें जो एक्स्ट्रा कैन है हमारे पास एक उसमें भी डला लेंगे। जाने का रास्ता है, जैसे आप उधर से साइड से होगे पदम के साइड से, तो 5 किलोमीटर आने के बाद एक राइट कट है और यहाँ अपना गाड़ी खड़ी कर सकते हो आराम से। और ये है नीचे जाने का रास्ता, अभी आपको आगे वहाँ तक लेके जाएंगे। ब्रिज वगैरह भी बना हुआ है, अच्छा ओपन एरिया, यहाँ घूम भी सकते हो आराम से। यहाँ पर फुल मज़ा लिया जा रहा है, ठंडे 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 पानी का फुल मज़ा। उस पर भी जाएंगे हम यहाँ से ब्रिज पे से, अभी थोड़े फोटोज और वो सब क्लिक करा रहे थे हम यहाँ पे। ये अपना चिल मार के बाहर आते हुए सोनाबाद, ये ब्रिज है जिस पे एक छोटी सी रिवर क्रॉसिंग है, ये है सनी रिवर। और कितना क्लियर वाटर है, और देखो आप यहीं से अंदर के कलर भी दिख जाएंगे सारे में, इतना ही क्लियर है ये वाटर सारा। इधर भी देखोगे इधर भी है, आगे चलते हैं। ये बुद्धा स्टैचू यहाँ पे, ये आपको ऑलमोस्ट हर किसी गांव में हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। साइज थोड़ा वेरी कर सकता है, बट वर्शिप करने के लिए काफ़ी होली मानते हैं लोग यहाँ के। बहुत ही सुंदर है जो ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये भी बहुत सुंदर बना है, प्लस जो इसका बैकग्राउंड आ रहा है वो इसको और ही अच्छा लुक दे रहा है बहुत। अब हम सनी लेक से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले तो मोनेस्ट्री, उसके बाद हम जाएंगे पैलेस, और उसके लास्ट में बसता है हमारा वाटरफॉल। यहाँ पे जो भी आएगा पदुम, ये यहाँ पे आने लायक जगह है, बहुत अच्छी जगह थी, बिल्कुल शांत जगह है और ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता। अगर आप एक दिन स्टे कर रहे हो तो यहाँ पे आराम से घूम के जा सकते हो, क्योंकि जब आप इतने दूर आओगे तो अच्छा रहेगा कि आप कुछ भी ऐसे मिस आउट नहीं करो जो ईज़िली एक्सेसिबल जगह है। तो यहाँ पे ज़रूर आना जो कोई भी आएगा, 4 या 5 किलोमीटर का ड्राइव है बस, कारगिल रोड पे पड़ता है ये। वो दूर सामने वो है सारा पदुम, आने वाले 4 या 5 साल में ये मेरा जो अनुमान है वो ये है कि ये लद्दाख जैसे बस जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ लोग लद्दाख के लिए जाते थे, जो शांति और जो अच्छा वो चाहिए था, वो अब वहाँ पे इतना नहीं बचा है, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत टूरिस्ट जाने लगा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ अब भी है। ये हम आए लंच करने एले आटो कैफे एंड रेस्टोरेंट, वाइब अलग है यहाँ तो बिल्कुल। पेड़ के नीचे टेबल लगाई हुई है, यहाँ बैठने के लिए वहाँ अंदर भी बैठ सकते हो, बट यहाँ अच्छा लग रहा है बैठ के, खुला खुला, बढ़िया हवा चल रही है, धूप भी नहीं लग रही। अभी देखते हैं टेस्ट कैसा है खाने का। लंच में वेज मोमोज और चाउमीन और एक वेज थुप्पा भी आएगा। ये थी जगह जहाँ पे लंच किया था, और बाहर निकल के सामने देखो काले बादल, मौसम इधर धूप है उधर काले बादल आ चुके। एले आटो था जगह का नाम, और यह सारा मार्केट एरिया एक ही सी रोड पे है जो मेन मार्केट है सारा पदम का।
अभी हम जा रहे हैं पहले पैलेस, जो भी चीज़ पड़ेगी रास्ते में वो देख कवर कर लेंगे अभी, क्योंकि आज का दिन अभी पूरा है हमारे पास। उस वाले रोड पे थोड़ा सा आगे आने के बाद राइट साइड में एक छोटा सा रास्ता कटता है जो ऐसा अभी टूटा हुआ होगा, इससे आगे जाके ले वाले रोड पे कनेक्ट होगा। आगे एक ब्रिज पड़ता है, उससे बिल्कुल राइट में जाके वो सामने ब्रिज है, अभी दिखाता हूँ पास जाके, और फिर उससे कनेक्ट होके आप ले हाईवे पे आ जाओगे। एक वहाँ पे पैलेस पड़ता है और एक मॉनेस्ट्री पड़ती है, क्या नाम मॉनेस्ट्री सिंगले करके ऐसे मॉनेस्ट्री है, उस सही नाम में वहाँ पहुँच के बताऊँगा, कुछ गलत बताऊँ उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही नाम वहीं पहुँच के आपको बताऊँगा मैं। एक ऐसे ब्रिज आएगा, काफ़ी पुराना है ये, इसके साइड में एक नया ब्रिज भी बन रहा है, इसको क्रॉस करके आपको सामने वाली रोड पे जाना है, वो आपको ले वाली रोड पे कनेक्ट कर देगा। भाई बारिश हो गई, इतना बढ़िया वेदर हो गया ना यहाँ, और बहुत आगे बारिश नहीं है, बीच बीच में पैच में बारिश है, जहाँ पे पदुम में नहीं थी बारिश, पदुम से थोड़ा बाहर निकले बारिश है, अब फिर हल्की होगी बारिश। भाई ये एक बार रोड देखो, यहाँ पे ये दिख रहा होगा अगर ब्लैक ब्लैक टारमैक, इतनी सुंदर रोड तो अपने उधर भी नहीं देखी होगी जितनी यहाँ पे है, और ऊपर से मौसम इतना बढ़िया हुआ है, काले बादल आ गए, बारिश नहीं हो रही इतनी, बट हवा चल रही है बहुत ही बढ़िया, और इतनी बढ़िया रोड है, मज़ा आ गया। हम तो इस पर ऐसे ही आ गए थे, कल भी हमें इसी रोड से जाना है ले वापस, लेकिन कल क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से आज हम ये सब एरिया कवर कर रहे हैं, आसपास के 10-15 किलोमीटर के एरिया में सारे। और एक बार बादल देखो आप, इतने सुंदर, मज़ा आ गया, सिर्फ हमें यहाँ। अभी जा रहे थे जांगला पैलेस पे, और रास्ते में एक बार व्यू देखो कितना बढ़िया है, और एक बार इधर दिखाता हूँ क्यों रुके थे यहाँ पे। एक तो ये फ्लो देखो कितना तेज़ है पानी का, और वहाँ पे सैंड स्टॉर्म आया हुआ है सारा, अभी हम इस पुल पे जाएंगे बढ़िया बढ़िया फोटोज़ निकाल लें। चल आजा। जांगला विलेज जहाँ पे आगे जाके पैलेस सिचुएटेड है, ये ऐसे एक एंट्री गेट मिलेगा, रोड से थोड़ा सा राइट में कट के अलग से दिख जाएगा, बोर्ड लिखा हुआ है जांगला विलेज के नाम से, और आगे जाके पैलेस का रास्ता है, वो आगे जाके बताता हूँ। क्या नाम है आपका? गए चलो ओके बाय झूले, चलो दोबारा मिलेंगे ठीक है, हाँ फिर से मिलेंगे बाय बाय। यहाँ पे जांगला में जो पैलेस है उसका थोड़ा अलग सीन है, एक फैमिली उसकी केयर टेकर है पूरी, तो जो ऊपर पैलेस जो है पुराने वाला जो पैलेस है, यहाँ पे दो पैलेस बने हुए, एक में तो वो फैमिली रहती है जो नीचे मेन विलेज में पड़ता है जांगला में, और जो ऊपर पैलेस पुराने वाला है वो ज्यादातर बंद रहता है, गांव की रानी थी, रानी थी शायद उसकी, सही स्टोरी हमें भी नहीं पता, बट जो वहाँ लोकल लोगों ने बताया वो हमने आपको बताया, और ज्यादातर चाबी उनके पास रहती है, वो सॉर्ट ऑफ एक केयर टेकर है उसके, तो अभी हम उनके नीचे वाले जो घर है वहाँ गए थे, वहाँ पर कोई नहीं था, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है वो ऊपर ही हो, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर देखते हैं, अगर मिलते हैं तो बता रहे हैं कि काफी पुराना है, और काफ़ी मतलब बहुत कम लोग विजिट करते हैं यहाँ पे, तो अगर पॉसिबल हुआ पूरी कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को ये दिखा सकूँ, क्योंकि शायद से
यहाँ पे कोई विजिट नहीं करता।